देखिए, हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि हम लोग लगातार एक महीने से क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सारे लोग शांतपूर्ण तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता से समाजवादी पार्टियों की उपलब्धियों की को गिना रहे हैं और जो घोषणा पत्र है उसको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आप लोग इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट दें। हम लोग अपील कर रहे हैं, शांतपूर्वक तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो साजिश करता है वो साजिश से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि भाजपा और बसपा ये मिलके चुनाव लड़ रहे हैं दोनों, और दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से गुंडई पे हैं और उनके साथ में पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। अभी अजय यादव जैसे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ गाली गलौज करते हैं, लोगों को मारते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का के साथ बेइज्जती भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों से कह रहे हैं कि FIR मत करवाओ, मत जो है अभी 20 तारीख तक भाई शांतिपूर्वक चुनाव लड़ो। लेकिन एटा जनपद का पुलिस प्रशासन ये शांतिपूर्वक चुनाव नहीं चाहता। ये लोग जो है साजिश के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, हमारे सभासदों को, हमारे प्रधानों को जबरदस्ती उनके घरों पर दबिश डाल रहे हैं, उनको भयभीत कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। कल भी सकीट क्षेत्र में हमारे अनिल प्रधान और कई लोगों के यहाँ दबिशें दी गई, जबकि कोई मुकदमा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई मतलब नहीं। एटा में सभासद विशेष यादव के यहाँ, सनी यादव के यहाँ, लकी यादव के यहाँ, कई जो लोग जहीर अहमद के भाई को पकड़ा गया इंतजार, और कई लोगों के यहाँ दबिशें पड़ी। मतलब पूरी क्यों दी जा रही है दबिशें, क्यों दी जा रही है? केवल हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को भयभीत करने के लिए कि वो वोटिंग वाले दिन पोलिंग पर न रहे, वोटिंग वाले दिन वो वोट न डलवा सके, इसलिए जबरदस्ती तरीके से उनको मतलब भयभीत कर रहे हैं। इस संबंध में हमने जो है कल पर्यवेक्षक महोदय से भी मिला था मैं, और चुनाव आयोग को भी मैंने फैक्स किया है कि ये चुनाव जो है ये पुलिस प्रशासन और उसमें हमारे सरदार जी जग्गी भाई वहाँ BLO के पास बैठ के अपने वोट छटवा रहे थे। अजय यादव ने आके उनकी पगड़ी उतारी, उनके साथ बदतमीजी की, तो वहाँ लोग आ गए, तब वो बच पाए। तब भी हम लोगों ने FIR नहीं कराई। हमने कि ये चाहते ही ये हैं कि जो है किसी तरह से अवैधता हो और समाज में अराजकता हो और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न न हो। मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि जनपद में शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसमें आप सहयोग करें और आप अपने अधिकारी पुलिस कर्मियों को रोकें कि वो किसी भी दल के हों लोग उनके साथ बदतमीजी ना हो, आपकी पुलिस उनको दबिश न दे, शांतिपूर्वक चुनाव होने दें। ये मेरी उनसे अपील है। इसके लिए चुनाव आयोग से भी शिकायत की है? हाँ, हमने चुनाव आयोग से कहा है और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है और मैंने आदरणीय प्रोफेसर साहब से भी कहा है कि वो भारत निर्वाचन आयोग में जाएं, अवगत कराएं, अनुरोध किया है मैंने उन लोगों से, अपने नेताओं से। तो अब देखिए क्या होता है। क्या अभी तक कोई आश्वासन मिला है क्या? नहीं, हम पर्यवेक्षक महोदय से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो आपने मुझे कहा है उसकी जांच कराएंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके कार्यकर्ताओं के उनके ऊपर इस तरह से अगर वो कोई दोषी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम उस पर संज्ञान लेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो रही, प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है, कहते अधिकारी को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग का अपील की है आपने? अब देखिए, अधिकारी हटाने के लिए तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो यही कहा है कि आप जो है कार्रवाई अब उसमें हटने की भी हो सकती है। मैंने यही कहा भाई, आप बताइए जो पत्रकार चिल्ला कह वो जो वहाँ जिसने बदतमीजी की पत्रकारों से, वो चिल्ला के कोतवाली में कह रहा है कि अजय यादव जिंदाबाद, अजय यादव का मैं व्यक्ति हूँ, और इसके बाद हमारे लोगों को टारगेट करके पुलिस दबिश दे रही।
जबकि जो जिससे पत्रकार ने एफआईआर लिखाई है उसने किसी भी प्रधान किसी को भी टारगेटेड नहीं किया। तो उन लोगों को केवल उनको तो पुलिस को तो ये मिलना चाहिए कि कोई भी बहाना मिले जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबे से हमारे कार्यकर्ताओं परेशान किया जाए। तो आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया, पकड़ा भी है किसी को? हाँ, कल पकड़ा जहीर अहमद हमारे जो पार्टी के नेता है उनके भाई को थाने में बंद रखा। इसके बाद जो है जब सीओ साहब ने कोई आश्वासन दे के तब छोड़ा। किस तरह का आपको लगता है चुनाव के दिन किस तरह की कोई अशांति या कुछ हो सकता है? देखिए अशांति समाजवादी पार्टी हमारे पास वोट है, हम चुनाव जीत रहे हैं। वो जो है जब कल कोतवाली पहुंचा तो वो अजय यादव जिंदाबाद नारे लगा रहा था कोतवाली में और अजय यादव के समर्थन में बोल रहा था और हमारे कार्यकर्ताओं के दबिश पुलिस डाल रही है, जबकि ये सारा काम अजय और डेविड वर्मा करा रहे हैं मिलकर। अजय चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, डेविड वर्मा द्वारा प्रोजेक्ट प्रायोजित है अजय यादव। अजय जितनी फंडिंग जितनी व्यवस्था अजय यादव की हो रही है वो जो है सब डेविड वर्मा जी करा रहे हैं, भाजपा करा रही है। साथ ही आप कल जो हमारी जो हिंदू नगर है उसमें हमारे सरदार जी जग्गी भाई वहाँ बीएलओ के पास बैठ के अपने वोट छटवा रहे थे, अजय यादव ने आके उनकी पगड़ी उतारी, उनके साथ बदतमीजी की, तो वहाँ लोग आ गए तब वो बच पाए। तब भी हम लोगों ने एफआईआर नहीं कराई, हमने कि ये चाहते ही ये हैं कि जो है किसी तरह से अवैधता हो और समाज में अराजकता हो और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि जनपद में शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसमें आप सहयोग करें और आप अपने अधिकारी पुलिसकर्मियों को रोकें कि वो किसी भी दल के हों लोग उनके साथ बदतमीजी ना हो, आपकी पुलिस उनको दबिश न दे, शांतिपूर्वक चुनाव होने दें। ये मेरी उनसे अपील है। इसके लिए चुनाव आयोग से भी शिकायत की है? हाँ, हमने चुनाव आयोग से कहा है और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है और मैंने आदरणीय प्रोफेसर साहब से भी कहा है कि वो भारत निर्वाचन आयोग में जाएं, अवगत कराएं, अनुरोध किया है मैंने उन लोगों से अपने नेताओं से। तो अब देखिए क्या होता है। क्या अभी तक कोई आश्वासन मिला है क्या? नहीं, हम पर्यवेक्षक महोदय से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो आपने मुझे कहा उसकी जांच कराएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके कार्यकर्ताओं के उनके ऊपर इस तरह से अगर वो कोई दोषी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम उस पर संज्ञान लेंगे।